आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाने का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, जिसे कि बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाने का बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप के करीब साबूदाने ले लिए हैं और इन साबूदानों को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और इसमें से 2 चम्मच के करीब मैं बचा लेती हूँ और इसका एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जो साबूदाना है वो पीस लिया है मैंने और ये देखिए इस तरीके का ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही आराम से ये पिस जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसे निकालेंगे एक बोल में। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है और इस साबूदाने के पाउडर को मैं बोल में निकाल लेती हूँ। और इसके बाद इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल आलू। तो 1.5 कप के करीब यहाँ पर बॉयल आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो इसे मैश करके भी ले सकते हैं। और ये बॉयल आलू इसमें डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल के यहाँ पर मैं नहीं बना रही हूँ इसे, बहुत ही कम सामान से इसे बनाने वाली हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पर जो हरी मिर्च रेड कलर की हो गई है, ऑरेंज कलर की हो गई है, वो भी ले लिया है मैंने, जिससे कि अच्छा कलर आएगा हमारे नाश्ते में। साथ में यहाँ पर ऐड कर लेंगे हरी धनिया। तो यहाँ पर मैंने ये हरा धनिया भी ऐड कर लिया है। और इसके साथ ऐड करेंगे इसमें साबुत जीरा। तो 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये साबुत जीरा। आधा चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ गरम मसाला। इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर ये मैंने नमक ले लिया है। साथ में यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं इसमें ये आधा चम्मच चाट मसाला डाल देती हूँ। चाट मसाला डालने के बाद पूरे मिक्सचर को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें और कोई चीज़ मैं नहीं डालने वाली हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाने जो हमने 2 चम्मच के करीब रख लिए थे, तो ये भी इसमें साथ में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच पानी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत ही कम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे पानी डाल के। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है, जैसे हम बिल्कुल टाइट आटा तैयार करते हैं वैसा ही ये मिक्सचर यहाँ पर तैयार हुआ है। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक लंच बॉक्स ले लिया है, आप चाहें तो थाली ले सकते हैं। और तेल लगा के इसे हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे हमें थोड़ा सा सेट करना है। और पूरा मिक्सचर इस लंच बॉक्स में डाल देंगे। तो अगर ज़्यादा मिक्सचर है आपके पास तो आप इसे थाली में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आधा ही मिक्सचर डाला है, क्योंकि इसकी लेयर बहुत मोटी नहीं करनी है। तो बस हाथों से दबाते हुए अच्छे से इसको फैला देंगे। यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को लंच बॉक्स में अच्छे से सेट कर दिया है और देखिए इसे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। इसके बाद अगर आपके पास थाली है तो इस तरीके की थाली ले सकते हैं। इसे भी ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। और जैसे हमने लंच बॉक्स में मिक्सचर को डाला है उसी तरीके से इसमें भी डाल के हम इसे फैला देंगे। यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर मैंने डाल दिया है थाली में और इसे हाथों से दबाते हुए फैला देते हैं। और यहाँ पर पूरे मिक्सचर को मैंने थाली में भी अच्छे से सेट कर दिया है और इसे हम रखेंगे 5 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दोनों तैयार हो गए हैं। तो फ्रिज में रखने से पहले इसे हम पहले ही कट कर लेंगे। इसमें कट के निशान लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। यहाँ पर लंच बॉक्स वाले को भी कट कर लेते हैं। तो पीसेस आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के पीसेस मैं कट कर रही हूँ। थाली और लंच बॉक्स दोनों को मैं फ्रिज में रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं मुझे इस थाली को फ्रिज में रखे हुए, अब मैंने इसे निकाल लिया है। इसके बाद जो ये पीसेस है हम इसे थाली में से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी पीसेस मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर लंच बॉक्स में से भी इस तरीके से हम पीसेस निकाल लेंगे। तो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे ये देखिए। और यहाँ पर मैंने ये सभी पीसेस निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो अब इन्हें केवल फ्राई करना है। आप चाहें तो साबूदाने का इस तरीके से आप बना के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और 2 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी खाना हो फटाफट से इसे फ्राई कर लें बस निकाल के फ्रिज से। तो यहाँ पर पैन में मैंने तेल ले लिया है और तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल के गरम होते ही ये पीसेस हम एक एक करके डाल देंगे तेल में।
और अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में जितना पैन में आ जाए उतना ही हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर जब ये एक तरफ से अच्छे फ्राई हो जाए तो इन्हें पलटकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया इसमें और क्रिस्पी भी लग रहा है। ये मैंने पलट लिए हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे मैं क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा ये साबूदाने का नाश्ता है बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा फ्राई हो गया है, तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसमें, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी सारे भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बचे हुए भी डाल के फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये पूरा नाश्ता फ्राई कर लिया है और मैं दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ से ही आप सुन पा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, और जितने क्रिस्पी हैं वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं और अंदर से ये सॉफ्ट है। मैं दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर अंदर से कैसा है। तो ये सारे ही बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं और ये देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इस तरीके से आप ये नाश्ता बनाएं और इसे इंजॉय करें केचप के साथ, चटनी के साथ या फिर शाम की चाय के साथ। तो ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से ये साबूदाने का नाश्ता, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी।